Hello everyone, this is Vispi Kharadi here and here I am with a 7 days home workout series just for you. ये वर्कआउट सीरीज स्पेशली उनके लिए है जो घर पे रहते हैं, जो जिम नहीं जा सकते, या तो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही या सोर्सेज नहीं है, और स्पेशली बिगिनर्स. और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू सी द यूट्यूब चैनल ऑफ माइन. और पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करो, और आपको इसमें मेरे साथ वर्कआउट करना है जिसमें आपको बताऊंगा कैसे करना है, और आपको सिर्फ फॉलो करना है. एंड यस, ये वर्कआउट करने के लिए आपको सिर्फ बेसिक मैट्स चाहिए, आपको थोड़े बहुत रेजिस्टेंट बैंड चाहिए, दो वाटर बॉटल्स. मैं खुद 1 लीटर की वाटर बॉटल यूज करूंगा, आप 500 एमएल की भी यूज कर सकते हो. एंड हियर वी स्टार्ट विद डे 1 बैक एक्सरसाइज एंड लेट्स स्टार्ट द वार्म अप नाउ. सबसे पहले हम हल्का फुल्का जंपिंग करेंगे फॉर जस्ट 20 सेकेंड्स. जस्ट कीप ऑन डूइंग. आप कैसे भी मूवमेंट कर सकते हो, इन एंड आउट, आउट टू इन, फ्रंट एंड बैक, वॉट एवर, जस्ट टू गेट योर सेल्फ, आपके इलेक्ट्रॉन्स को एक्टिवेट करने के लिए, दैट्स इट. और मैं ऑलवेज प्रिफर करता हूं कि आप वार्म अप के पहले थोड़ा बहुत अपना बॉडी को चार्ज अप करो. 5, 4, 3, 2, and 1. आई प्रिफर डूइंग वार्म अप्स फ्रॉम हेड टू टो. सबसे पहले अपना मसल आएगा नेक, सो जस्ट स्टार्ट. 5 counts ईच, 1, 2, एंड डू इट स्लोली, 3, 4, and 5. Sideways. 1, 2. Both sides. 3, 4, 5. आपके trap muscle. Slowly. 5 times forward. 2, 3, 4, 5. Backwards. 1, 2, 3. 5. Hand rotations. 1, 2, 3, 4, 5. Other hand. 1, 2, 3, 4, 5. Backwards. 1, 2, 3, 4, 5. Do it slowly. 1, 2, 3, 4, 5. Twists. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, go down. Thoda stretch, lower back. 1, 2. Always keep your back straight. 3. Yahan se back aapko bend nahi karni hai. 4, 5. आपका लेग, आप जितने भी स्ट्रेच कर पाओ, आप यहां तक कर पाओ वो भी चलेगा, ऊपर तक कर पाओ वो भी चलेगा. जस्ट 5 stretches. 1, 2, 3, 4, 5. चेंज. 1, 2, 3, 4, 5. Relax your arms. Now catch the resistance band you have. आपके पास जो भी resistance band है उसको आप hold कीजिए के हाथ में. One of the best movements resistance band की जो आप use कर सकते हो shoulder warm ups के लिए, scapular warm up के लिए, वो ये है. Okay, just do 10 times. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Upar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, from here, jitna ho sake resistance band ko stretch karo. Straight arms ke saath, jitna ho sake piche tak. Then come forward, back. This is 1. Slowly karna. 2. Three. Four.
5. लास्ट आपका वन हैंड स्टेडी रहेगा, एक हाथ ही मूव करेगा, ओके, आउटसाइड. ये आपके रोटेटर कफ को अच्छी तरह वार्म कर देगा और इंजरीज से आपको बचाएगा. अगेन 10 times, 8, 9, 10. अनदर हैंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, get on the floor. ये वार्म अप बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्लीज आप कोई भी अपर बॉडी वर्कआउट करो इसके पहले ये वार्म अप को बिल्कुल करना. ये आपके स्कैपुलास को, जो आपके शोल्डर्स और बैक के मसल्स को अटैच करके रखता है, ट्रैक के मसल्स को अटैच करके रखता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट है जो आपको इंजरी से बचाएगा एक्सरसाइज के दरमियान और आपके पोस्चर को भी इंप्रूव करेगा. तो प्लीज आप इसको 100% हर बॉडी वर्कआउट, मतलब अपर बॉडी वर्कआउट के साथ बिल्कुल करो. सो फ्रॉम हियर हाथ एक्सटेंड करो ऊपर, थंब अप, और हाथ को रेस करो. 1, 4 होल्ड करो. 2, 3, 4 and 5. फ्रॉम हियर आपके हाथ को स्प्रेड कीजिए साइड पे, थंब अप अगेन, और थोड़ा हल्का सा रेस कीजिए. 1, थोड़ा होल्ड. 2, 3, 4, 5. फ्रॉम हियर हैंड इन, 90 डिग्री पे मत रखो, थोड़ा नीचे, ओके, थंब अप अगेन. 1, 2, 3, 4 and 5. Now, thumb in. आपके knuckles floor पे press होंगे. So from here, हाथ को आगे extend करो हवे में, मतलब airborne रखो, जमीन पे touch नहीं होना चाहिए. Okay. And come down. 1, और थोड़ा upper body का extend करो ऊपर. हाथ extend forward. 2, 3, 4, 5. So this is complete warm up मेरे हिसाब से जो हम home workout के साथ कर सकते हैं. So from here we start our first exercise. जैसे कि मैंने पहले बताया था, beginners workout है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाइड्रेशन. तो प्लीज फर्स्ट एक्सरसाइज हम चालू करें उसके पहले हम पानी पिएंगे. मैं भी पीऊंगा. आप इसमें लाइम यूज कर सकते हो. आप चाहो तो BCAAs, EAAs, आपके बजट के हिसाब से आप जो भी आपको ठीक लगे आप यूज कर सकते हो, ठीक है. बट नो एक्स्ट्रा शुगर्स. और मैं प्रेफर करता हूँ कोल्ड वाटर. जितना कोल्ड वाटर मैं पीता हूँ मुझे बेटर लगता है, कूल डाउन करने में भी. जो इंटरनल हीट जनरेट होती है उसको कूल डाउन करने के लिए हेल्प करती है. एंड आई एंजॉय कोल्ड वाटर. सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसको मैं बोलता हूँ सुपरमैन स्क्वीज. गो डाउन ऑन द फ्लोर, ओके. हमने वार्म अप में जो किया था वैसे ही सेम करना है. हाथ आगे, आपको सिर्फ दिखा देता हूं पहले. हाथ आगे, सो फ्रॉम हियर हाथ एयरबॉर्न रहेगा और आपको पीछे तक लाना है. थोड़ा अपर बॉडी एक्सटेंड होगा ऊपर और यहां पे आपको स्क्वीज करनी है बैक को, स्क्वीज इन इनसाइड अंदर, एंड देन कम अप, ओके. मैं पोजीशन चेंज करके आपको दिखा देता हूं, आपको आइडिया आ जाएगा. हैंड्स एक्सटेंडेड फॉरवर्ड, स्प्रेड स्लोली. यहां से मैं थोड़ा अपर बॉडी एक्सटेंड करूंगा ऊपर,
स्क्वीज माई स्लेट्स, जो लेटिस रूस डॉर्सी है उसको मैं अंदर स्क्वीज करूंगा, एंड देन कम फॉरवर्ड। इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी मैं हाथ को एक्सटेंड करूं आगे तो ये लैट मसल को स्ट्रेच करना आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड बिगिनर्स हो, लेटिसिमस डॉर्सी ये सब, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज नहीं यूज करूंगा। जस्ट एंजॉय योर वर्कआउट, आप फॉलो करो, एंजॉय करो, दैट्स इट। लेट्स स्टार्ट। हम 10 रिपीटेशंस करेंगे और इसके 3 सेट लगाएंगे। पोजिशंस गो। 1 2 ब्रीद इन ब्रीद आउट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. Approximate 30 seconds का हम ब्रेक लेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेक लेना। ब्रेक के टाइम पे अब अगेन अगर आपको लगता है ड्राइनेस हो रही है आप पानी पी सकते हो, अदरवाइज इफ यू आर फाइन नो प्रॉब्लम। और जो भी वर्कआउट करो डू इट एक्सट्रीमली कंट्रोल्ड वे में, आपके मसल आपके कंट्रोल में होने चाहिए। इसका ये मतलब नहीं आप सिर्फ हाथ ऊपर नीचे कर रहे हो, आप वो पर्टिकुलर मसल से इनिशिएट कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं हाथ यहां से ला रहा हूं या वापस ले जा रहा हूं तो मेरे बैक के मसल को टारगेट कर रहा हूं और बैक के मसल से वो मूवमेंट को इनिशिएट कर रहा हूं, वो आपको समझना है। ठीक है, सो स्टे फोकस्ड, मसल एंड माइंड कनेक्शन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लेट्स स्टार्ट सेकेंड सेट। पोजिशंस One, two, three, four, स्प्रेड करो लाइट को नीचे, 5 6 और ऊपर स्ट्रेच करो, 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। जिनको भी थोड़ी बहुत यहां पे फटीगनेस आ रही है, टायर्डनेस लग रहा है, आप सेकेंड सेट पे रुक सकते हो, रेस्ट कैन फॉलो मी इन द थर्ड सेट। अगेन आई रिपीटेडली मेंशन, स्टे हाइड्रेटेड नॉट ड्यूरिंग द वर्कआउट बट थ्रू आउट द डे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स मैं यहां पे न्यूट्रिशन का लेक्चर नहीं दूंगा, न्यूट्रिशन तो है ही इंपॉर्टेंट, वी ऑल नो अबाउट इट, क्योंकि आई से एक्सरसाइज इज जस्ट 10% आपके फिटनेस का। अगर पूरा 100% का निकाले तो 10% इज एक्सरसाइज, 10% इज द रेस्ट। आप कितनी अच्छी नींद ले रहे हो, आपकी स्लीप पैटर्न्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 80% इज योर न्यूट्रिशन, आप क्या खाते हो, कब कब खा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट सेट 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
and 10. Slowly come up and rest approximately for 30-40 seconds. मैं एक चीज आपको यहां पे बताना चाहूंगा, मसल्स काम कैसे करते हैं. आपके मसल तभी एक्शन में आएंगे जब आप फुल रेंज ऑफ मोशन में फॉलो करो एक्सरसाइजेस को. बहुत सारे वर्कआउट एक्सपर्ट जो होते हैं वो आर ओ एम लिखते रहते हैं, पर व्हाट इज देयर आर ओ एम? इट्स रेंज ऑफ मोशन. मसल को कॉन्ट्रैक्शन पता है. अगर बाइसेप लगा रहे हो तो कॉन्ट्रैक्शन बाइसेप को वो पता है. अगर आप वो ठीक से नहीं करोगे तो वो होगा नहीं कभी डेवलपमेंट का. और बाइसेप को दूसरी चीज पता है, स्ट्रेच. अगर आप स्ट्रेच नहीं करोगे तो भी बाइसेप आपका डेवलप नहीं होगा. तो फुल रेंज ऑफ मोशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आप सिर्फ ऊपर टाइट कॉन्ट्रैक्शन करोगे, नीचे हाफ ही छोड़ोगे तो बाइसेप कभी डेवलप होगा नहीं, ठीक है. और अगर होगा भी तो वो स्ट्रांग नहीं होगा. मसल को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है. हम इतना विटनेस, इतना वर्कआउट क्यों करते हैं? इसलिए करना चाहिए, ना कि आप मेडल जीतो, कंपटीशन खेलो, ना कि आप अच्छे दिखो. वो तो बाई प्रोडक्ट है, वो अच्छे दिखने वाले हो आप, ठीक है. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप डे टू डे लाइफ में जो भी काम काज कर रहे हो वो अच्छे से और क्विकली कर पाओ विदाउट एनी इंजरीज, एफर्ट के बिना. दैट इज व्हाट इज फिटनेस. सो वी मूव ऑन टू एक्सरसाइज नंबर 2 एंड आई कॉल इट लैट स्क्वीज. सो ये लैट मसल है, उसको स्क्वीज करना है एंड आई विल यूज अ नैपकिन फॉर इट. ओके, मैं आपको ये मोशन में, ये डायरेक्शन में पहले बता दूंगा कैसे करना है. सो फ्रॉम हियर जो सुपरमैन स्क्वीज किया था वैसे ही करना है. आपको नैपकिन होल्ड करना है और नैपकिन को बाहर के साइड पे, आपको एफर्ट लगाने के बाहर साइड पे आप पुल करके रखो. ओके, और थ्रू आउट द रेंज, थ्रू आउट द सेट आपको ये बाहर के साइड पुल रखना है, मेंटेन. ओके, सो फ्रॉम हियर यू विल कम डाउन, स्क्वीज एंड स्ट्रेच. आपको बैक को नीचे तक स्क्वीज करना है और जैसे ऊपर जाओ आपको स्ट्रेच करना है. लेट्स गो. ओके, अगेन फ्रॉम दिस एंगल, हैंड स्ट्रेट, बार के साइड पे पुल, कम डाउन, स्क्वीज योर बैक एंड स्ट्रेच. ओके, सो ग्रैब योर नैपकिन्स. आपके आसपास नैपकिन्स हो, स्टिक हो वो भी चलेगी. आपके पास रेजिस्टेंस बैंड हो तो एजिन बैंड को बाहर के साइड पे आप पुल करके रखो, वो भी चलेगा. एनीथिंग इज फाइन. ओके, टेक पोजीशंस. पुल करो बाहर के साइड पे, हाथ ऊपर, स्क्वीज डाउन और एक सेकेंड पॉज. 1 स्ट्रेच, कम डाउन, 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. सेट नंबर 1, लेट स्क्वीज विद नैपकिन्स और स्टिक्स और रेजिन बैंड्स. हाइड्रेट योर सेल्फ, हैव वाटर. सेट नंबर 2, सेम थिंग हम रिपीट करेंगे, अगेन 10 रेप्स. ओके, लेट्स स्टार्ट. Positions, napkins या sticks या resistance band हाथ में, pull outside, हाथ ऊपर and start. Squeeze your back. 1 2 squeeze and stretch.
3, 4, with squeeze, breathe out, 5, 6, 7, 8, 9, back को squeeze करो नीचे, 10, stretch, good, set number 3, but again, जिनको तकलीफ हो रही है, first time workout कर रहे हैं, please आप second set पे रुक सकते हो, rest can follow me, 30 seconds break. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने बताया कि रेंज ऑफ मोशन क्या है, और ये बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स मुझे पूछते हैं, उनको मैं ये बताता हूं, उनकी एक क्वेरी रहती है कि हम हैवी वेट लगाए, आप होम में वर्कआउट करते हो, आपके वेट्स नहीं होते हैं, तो क्या मसल डेवलप होंगे, मसल को उतना रेजिस्टेंस मिलेगा? तो मैं एक ही चीज बताता हूं, आपके मसल को नहीं पता है कि आप कितना वेट उठा रहे हो या आपका रेजिस्टेंस क्या है. मसल को सिर्फ उतना ही पता है कि आप कैसे कर रहे हो. इट इज नॉट अबाउट द वेट, इट इज हाउ यू डू इट. कितनी अच्छी तरह आप लैट को स्क्वीज कर रहे हो, कितनी अच्छी तरह आप स्ट्रेच कर रहे हो, और हर एक एक्सरसाइज में यही चीज काम की है. सो फॉलो दैट. सेट नंबर 3, हाथ एक्सटेंडेड फॉरवर्ड, पुल द नैपकिन आउटसाइड, हाथ ऊपर, पुल डाउन, स्क्वीज, 1, ब्रीथ आउट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stretch. एक्सेलेंट. आई थिंक हमने दो एक्सरसाइज बैक की कंप्लीट कर ली, एंड वी मूव ऑन टू आवर थर्ड एक्सरसाइज, एंड इट इज रेजिस्टेंट बैंड रोज, जिसके लिए हमको स्टैंड अप एक्सरसाइज है ये, और आपको रेजिस्टेंट बैंड इसमें लगेगा. एक्सरसाइज नंबर 3, रेजिस्टेंट बैंड रोज, और इसके लिए वी नीड रेजिस्टेंट बैंड, प्लीज गो एंड ग्रैब इट. सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस बैंड, आपको जो ठीक लगे, आपको जो सूट करे आप ले सकते हो, नॉट एन इश्यू. सो यहां पे आप प्लीज देखिए कैसे करना है. सेंटर में मेक श्योर कि आपका फुट प्लेसमेंट अच्छी तरह हो, नहीं तो हमने बहुत सारे फनी वीडियोस देखे हैं जहां पे रेजिस्टेंस बैंड छूट जाता है और मुंह पे बहुत सारे गलत जगह पे भी लग जाता है. सो प्लीज मेक श्योर कि आपका फुट प्लेसमेंट अच्छा हो और उसको ग्रेविटी अच्छी मिले. ओके, हम 90 डिग्री से थोड़ा ऊपर तक ही बैंड होंगे. मेक श्योर चेस्ट अप, बैक स्ट्रेट, और आपके शोल्डर्स को आपको डिप्रेस करके रखना है, स्कैपुला को लॉक करके रखना है. फ्रॉम हियर व्हाट आई वांट इज कि यहां से आप हाथ को ऐसे ले जाएं, ओके, ऐसे. प्लीज चेक दिस पोजिशन, स्ट्रेट खड़ा हूं, नी सॉफ्ट, बेंड. सो दिस इज 90 डिग्री, थोड़ा ऊपर, प्लस बैक स्ट्रेट, चेस्ट अप, हंच नहीं चाहिए ये, एंड डोंट डू दिस. आपके स्कैपुलर्स, आपके शोल्डर्स को डिप्रेस करके रखो, एंड स्कैपुलर्स लॉक्ड ऑल द टाइम. फ्रॉम हियर ये हाथ मुझे ऐसे चाहिए, ओके, दिस वे. लैट मसल को स्क्वीज करना है, राइट. वन मोर टाइम फ्रॉम दिस एंगल. सो स्टैंड टॉल, नी सॉफ्ट, बेंड फॉरवर्ड, एंड स्टार्ट फ्रॉम हियर दिस वे.
ओके, नाउ वी डू इट इन दिस एंगल. एम आई इन सेंटर? ओके, सो स्टैंड टॉल, नी सॉफ्ट, बेंड फॉरवर्ड, स्कैपुला इज लॉक, चेस्ट अप. ओके, और जब भी आप बेंड हो, कोई भी बेंडिंग वाली एक्सरसाइज हो, प्लीज मेक श्योर कि जब आप बेंड हो रहे हो, आप ऊपर ना देखो, आपके स्पाइन को स्ट्रेट रखना है. जब आप बेंड हो और ऊपर देखने की कोशिश करो, दैट मींस कि आपके सर्वाइकल पे प्रेशर आ रहा है. सो प्लीज डोंट डू दैट. बेंड फॉरवर्ड एंड कीप लुकिंग डाउन. नीचे नहीं, ऊपर भी नहीं, स्ट्रेट. ओके, एंड वी स्टार्ट दिस एक्सरसाइज. फॉलो मी. वन, हल्का सा ऊपर पॉज एंड कम डाउन. टू, ब्रीद आउट. थ्री, फोर, स्लो, गो स्लो, इनिशिएट विथ योर बैक. फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, स्क्वीज, वन मोर रैप, टेन, रिलैक्स. ओके, सेट नंबर वन इज डन. अगेन, इफ यू वॉन्ट, हाइड्रेट योर सेल्फ. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज होम वर्कआउट सीरीज, जहां पे आप मेरे साथ वर्कआउट कर रहे हो. आई डोंट नीड टू टेल यू, नेचर्स कॉल आ रहा है, प्लीज गो एंड कम फास्ट. सो वी विल टेक अराउंड 30 सेकेंड्स ब्रेक एंड स्टार्ट विद द सेकेंड सेट. बट मेक श्योर जो मैंने बताया था वो आप ध्यान से उसको सुनो और उसको सोचो और उसको ही फॉलो करना है आपको. दैट इज मसल कनेक्शन. अगर मसल कनेक्शन नहीं होगा तो आपके वो मसल पे कभी भी इफेक्टिवनेस नहीं आएगी. और आप यही तो रीजन है, सालों से लोग वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, पर बॉडी में कोई फर्क नहीं आता. दैट इज द सेम रीजन. विदाउट कनेक्शन आपके मसल कभी भी डेवलप नहीं होंगे. ओके, सेट नंबर टू, टेक पोजिशंस. स्टैंड टॉल और मेक श्योर आप स्कैपुलास को यहां यही पोजिशन पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो. ये करके नी सॉफ्ट, बेंड फॉरवर्ड एंड वी स्टार्ट. गो अप, स्क्वीज, वन, कम डाउन, टू, स्क्वीज. जब भी आप स्क्वीज करो, ब्रीद आउट. थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, वन मोर, गिव योर बेस्ट, टेन, स्क्वीज, कम डाउन, रिलैक्स. 30 सेकेंड रेस्ट. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग कभी भी ऐसी कोई सीरीज देखते हैं, सो बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो मेरे सीनियर्स रहे हैं उन्होंने भी ऐसी सीरीज निकाली है. एंड आई डू टेक रेफरेंसेस फ्रॉम देम, डू लर्न फ्रॉम देम. बहुत सारे लोग कमेंट्स लिखते हैं, अरे ऐसी बॉडी ये ऐसे वर्कआउट करके थोड़ी बनाते हैं. बट प्लीज अंडरस्टैंड, हम लोग ऐसे स्टेज पे पहुंचे हैं तो इसका मतलब कि हमारे पीछे बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारा स्टडी करके हम लोग यहाँ पे आए हैं. एंड वी वॉन्ट टू शेयर कि हमारा जो नॉलेज है वो किस तरह स्प्रेड हो पाए.
और कैसे काम हो पाए, नॉट काम पर मैं बताऊंगा कैसे आप लोगों को हेल्प मिल पाए। बिकॉज हमने जब चालू किया था हमको ऐसे रेफरेंस वीडियोस नहीं मिल रहे थे और हम लोग बहुत सारी इंजरी से गुजर चुके हैं यही कारण से, बिकॉज हमको रेफरेंसेस नहीं मिले थे। वी डोंट वॉन्ट कि आपको भी ऐसी इंजरी से पास होना पड़े, आप भी कोई गलत एक्सरसाइज चालू कर दो, दैट इज द ओनली रीजन। ओके, सो आई होप यू हैव हाइड्रेटेड योरसेल्फ, पानी पी लिया है एंड 30 सेकेंड हैज टाइम्ड अप। लेट्स स्टार्ट विद थर्ड सेट। Positions, stand tall, scapula is retracted, knee soft, bend forward and start. One, two, three. Make sure कि आपकी जो latissimus dorsi है, back है, वो पूरी तरह squeeze हो ऊपर। Four, five, breathe out. Six, seven, three more, three, two, one. Super. एक्सरसाइज तीन खत्म हो चुकी है। नाउ वी मूव ऑन टू एक्सरसाइज नंबर फोर, विच इज डंबल रोज या फिर बॉटल रोज। अगर आपके पास घर पे डंबल्स हैं तो आप डंबल्स यूज कर सकते हो, या फिर जैसे कि मैं यूज करूंगा बॉटल्स एक लीटर की, वो यूज करो। ऑफकोर्स एम्प्टी बॉटल यूज ना करना, उसमें पानी भरना। सो ग्रैब द वॉटर बॉटल्स यू हैव। ओके, डंबल्स हो डंबल्स भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। अगर आपको वाटर बॉटल्स धीरे धीरे आपको लगे कि आपको लाइट लग रही है, बाय डंबल्स ऑनलाइन बहुत मिल रहे हैं, प्लीज डू दैट। नाउ सेम जो हमने मूवमेंट की थी विद रेजिस्टेंट बैंड, आपको सेम मूवमेंट करनी है, बट हाथ आपके बाहर फ्लैल आउट नहीं होंगे इसमें। सो फ्रॉम ये एंगल से आपको दिखाऊंगा, नी सॉफ्ट, स्कैपुला रिट्रैक्टेड, आपको डिप्रेस रखना है पीछे से, बेंड फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, एल्बोज बैक एंड कम फॉरवर्ड, बैक एंड कम फॉरवर्ड फ्रॉम दिस एंगल। ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां समझनी है, दिस इज डंबल रोइंग। सो जैसे रोइंग करते हैं, ठीक है, बोट रोइंग, सो इट इज नॉट लिफ्टिंग, ये नहीं करना है। बहुत सारे लोग ये गलत भीम में भी करते हैं, दिस इज नॉट रोइंग। रोइंग इज रो कम बैक, रो कम बैक। ओके, सो यही चीज हम करेंगे, इसका सेट लगाएंगे। लेट्स स्टार्ट। आप सेंटर से बॉटल को पकड़िए, सेंटर से, ओके, एंड ग्रिप इट टाइट। और आपको जो इनिशिएट करना है रोइंग का मूवमेंट, आप रिस्ट से या फोरआर्म से ना करें। आई डोंट वॉन्ट कि आपका फोरआर्म वजन को उठा ले, क्योंकि लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है। आपको एल्बो से इनिशिएट करना है और आपके लैटिसिमस डॉर्सी बैक से इनिशिएट करना है मूवमेंट को। ओके, सो स्टैंड टॉल, शोल्डर्स डिप्रेस्ड, नी सॉफ्ट, बेंड फॉरवर्ड। इसमें आप ये एंगल पे भी रह सकते हो, या फिर आपको अगर आपकी लोअर बैक में स्ट्रेंथ अच्छी है आप 90 डिग्री पे भी जा सकते हो। दिस डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन यू, नो प्रॉब्लम। ओके, सो फ्रॉम हियर ब्रीथ आउट एंड पुल अप, स्क्वीज, वन, टू, थ्री, फाइव, सिक्स, सेवन, स्क्वीज करो बैक को पीछे, एट, नाइन, मेक श्योर आपकी बैक स्ट्रेट है, हंच नहीं आ रहा है,
10, 11, 12, 13, 2 more, 14, and 15. Squeeze and stretch. So, एक और एक सवाल जो बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स, बहुत सारे जहां पे वो मुझे मिलते हैं, लोग मुझे पूछते हैं, व्हाट अबाउट ब्रीदिंग? ब्रीदिंग कैसे करना है? कब ब्रीथ आउट करना है, कब एक्सहेल करना है, कब इनहेल करना है? बहुत सिंपल सा आंसर है, विथ एफर्ट एक्सहेल. जहां भी आपको जोर लगाना पड़े, ब्रीथ आउट एंड ब्रीथ आउट थ्रू योर माउथ, इनहेल थ्रू योर नोज. ये ध्यान से आपको समझना है और ये करना है फॉलो हर एक रिपीटेशन में, हर एक रिपीटेशन में. ऐसा नहीं है, हाँ आप कर सकते हो, बहुत सारे एक्सपर्ट्स, पावर लिफ्टर्स, बॉडी बिल्डर्स करते हैं, एक ही ब्रेथ में 3-4-5 रैप लगाते हैं, नो प्रॉब्लम. बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस में नथिंग इज राइट और नथिंग इज रॉन्ग. आपको क्या सूट कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है, पर मैं आपको जो बता रहा हूं, जो मैं फॉलो करता हूं और मेरे हिसाब से, मेरी स्टडी के हिसाब से वो अच्छा है. दैट इज हर एक रैप में ब्रीथ इन ब्रीथ आउट इज इंपॉर्टेंट, एक्सहेल विद एफर्ट. इसमें आपको एफर्ट कहां पे लगेगी, नीचे ले जाने में या ऊपर लाने में? इट इज ऊपर लाने में, आपको लिफ्ट करने में एफर्ट लगेगी. द एक्सहेल व्हेन यू लिफ्ट अप. ओके, सेट नंबर टू. सो फर्स्ट सेट में हमने 15 रेप्स लगाए थे, हम सेम रिपीट करेंगे वापस. बॉटल्स सेंटर से, स्टैंड टॉल, शोल्डर्स डिप्रेस्ड, नी सॉफ्ट, बेंड फॉरवर्ड एंड स्टार्ट. 1, ब्रीद आउट. 2, स्क्वीज. 3, 4, 5, 6, 7, 8, squeeze your back. 9, 10, 11, 12, 13, squeeze, stretch. 14 and 15. Super. Set number 2 is done. One more set to go. 30 seconds break. Hydrate yourself. Mujhe bhi pyaas lagi hai. And do write me questions. Aap comments mein aapke questions dal sakte ho. I will definitely try and answer to it. Anything related to fitness, anything related to nutrition, please don't hesitate. But haan, don't forget, like and subscribe my channel. Later on, I'll be coming up with a different set of series, home workout ke bhi launga, thoda advanced level. Then I'll be coming up with a series jisme मैं जिम में वर्कआउट करूंगा आपके साथ या आप लोग मेरे साथ करेंगे. देन आई विल बी कमिंग अप विद अ सीरीज जिसमें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग होगी, हर रोज अलग अलग आप कैसे करते हो, जहां पे आप घर में आपके पास थोड़े बहुत इक्विपमेंट्स हो आप मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी कर सकते हो. सो दैट इज वॉट आई एम ट्राइंग टू डू. जो भी घर पे रह सकते हैं, जिम नहीं जा सकते हैं या उनको टाइम नहीं मिल रहा है जिम जाने का ड्यू टू ट्रैवलिंग या ट्रैफिक, I travel lot of metro cities और इसमें ये problems हैं and I understand it. So to be very honest, I like to reach out to people जो लोग gym नहीं जा सकते, जो लोग gym जाते हैं उनके पास अच्छे resources हैं, trainers के, nutritionists के, सब मिल रहे हैं. But what about majority of population, especially India में, जो लोग gym नहीं जा सकते, रोज उठ के सोचते हैं कि आज मैं जिम चालू करता हूं या करती हूं, पर कर नहीं पाते कोई ना कोई कारण से. दैट इज व्हाट आई वांट टू डू. आपको जाने की जरूरत नहीं है,
स्टार्ट फ्रॉम हियर, और जैसे ही आपका लेवल अपग्रेड हो जाए, आपको लगे कि हाँ अभी आप ठीक हो, एक्सरसाइज करने के लिए अब रेडी हो, ज्वाइन जिम्स, नो प्रॉब्लम। सेट नंबर 3, स्टैंड टॉल, डिप्रेस्ड, नी सॉफ्ट, बेंड फॉरवर्ड एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, स्क्वीज, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. One more, give your best, squeeze hard and down, stretch. Great. So we have completed one more exercise, that is bottle rows or dumbbell rows, bent over rows. We move on to our next exercise, which I call pull overs, jo hum niche lie down karke karenge. So we move on to our next exercise, which is pull overs. Aur iske liye aapko ek equipment ki zarurat hai, jo hum sabke ghar mein rehta hai, which is a pillow. Ek hard wala pillow, जो आपको फ्लोर से, मैं ये मैट्रेस यूज कर रहा हूँ रोल करके, आप पिलो यूज कर सकते हो, सॉफ्ट वाला पिलो नहीं, थोड़ा हार्ड वाला पिलो। आइडिया इज कि आपको फ्लोर से आपकी बैक को थोड़ा ऊपर रखना है, आपको लाई डाउन करके एक्सरसाइज करनी है, और आपको बॉटल्स भी चाहिए ये एक्सरसाइज में। हाथ पाछल एक्सटेंशन से चाल से यहाँ थी, या ओके। So I will take 2 bottles. यहां पे आपको खास करके ध्यान रखना है, जो पीलो प्लेसमेंट आपने किया है वो आपकी अपर बैक के नीचे हो, लोअर बैक के नीचे नहीं, आपकी अपर बैक को फ्लोर से अपलिफ्ट रखना है। क्यों? क्योंकि जो मूवमेंट है आपका, रेजिस्टेंस जो है, डंबल्स या बॉटल्स आपका हाथ में रहेंगे, आपका हाथ स्ट्रेट, आपकी बैक ऐसे नहीं रहेगी, आपकी बैक आर्च रहेगी, चेस्ट अप, बैक टाइट। आप ब्रीदिंग करोगे, थोड़ा हैवी ब्रीदिंग, और हाथ को स्ट्रेच करोगे। आप स्ट्रेच करोगे तब आपके लंग्स, आपके रिब केज को एक्सपैंड करोगे, और साथ में आपका हाथ जब पीछे जा रहा है, आप ये लैटिसिमस डॉर्सी को स्ट्रेच करोगे। ऑफकोर्स आपकी हाथ की मोबिलिटी जितनी है शोल्डर की, उतना ही आप पीछे जाइए। अगर आपको पेन आ रहा है अटक जाओ, नो प्रॉब्लम, पर अगर जा सकते हो तो प्लीज स्ट्रेच लैटिसिमस डॉर्सी को, स्ट्रेच करो। फ्रॉम हियर कम अप, ब्रीद आउट, और जब यहां तक हाथ आए तो आपकी बैक को स्क्वीज करो, लैटिसिमस डॉर्सी को स्क्वीज करना है अगेन। सो दिस इज द होल रेंज ऑफ मोशन। अब हम रेजिस्टेंस जो है हमारे पास डंबल्स, बॉटल्स, प्लीज उसको ग्रैब कर लीजिए सेंटर से, एंड फ्रॉम हियर वी स्टार्ट अगेन। बैक टाइट, चेस्ट अप, ब्रीथ इन, स्टार्ट, स्ट्रेच लंग्स, रिब केज एक्सपेंडेड, लैटिसिमस डॉर्सी स्ट्रेच, कम अप, ब्रीथ आउट एंड स्क्वीज योर बैक। 1, स्ट्रेच, ब्रीथ आउट। 2, इसमें ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 3, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 4, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 5, स्क्वीज योर बैक, ब्रीद इन, स्ट्रेच। 6,
ब्रीद आउट, ब्रीथ इन, स्ट्रेच अप, ब्रीद आउट, सेवन, थ्री मोर, ब्रीथ इन, ब्रीद आउट, एट, टू मोर, ब्रीथ इन, और डू इट एक्सट्रीमली स्लोली, कोई जल्दबाजी नहीं, ब्रीद आउट, नाइन, वन मोर, टेन, स्क्वीज योर बैक. दिस इज सेट नंबर वन. वी विल डू वन मोर सेट, क्योंकि बिगिनर्स के लिए है. आई डोंट वॉन्ट कि आपको शोल्डर्स में इंपेजमेंट हो, पेन चालू हो. वी विल स्टार्ट विथ टू सेट्स एज ऑफ नाउ. एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहूंगा, दिस पर्टिकुलर वर्कआउट, मेरा इतना एक्सरसाइज में एक्सपीरियंस होने के बावजूद मैं ये वर्कआउट में एग्जॉस्ट हो जाऊंगा या हो सकता हूं. एक ही रीजन है, एक ही कारण है इसका, आई डू इट प्रॉपरली. अगर ये सीरीज की वर्कआउट के साथ अगर आप एग्जॉस्ट नहीं हो रहे हो, दैट मींस आप वो पर्टिकुलर मूवमेंट को अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो. दिस इज द ओनली रीजन. जैसे कि मैंने पहले बताया, आप ये वीडियो को भी रिवाइंड करके देख सकते हो, मैंने बताया था इसमें मसल को ये नहीं पता है कि कितना वेट, कितना रेजिस्टेंस दे रहे हो. मसल को सिर्फ उसकी रेंज ऑफ मोशन पता है और आप कैसे कर रहे हो. इट इज नॉट अबाउट द वेट, इट इज हाउ यू डू इट. आप अच्छे से परफॉर्म कीजिए, आपके मसल एग्जॉस्ट 100% होंगे, आपके मसल को इफेक्टिवनेस लगेगी, मसल को वो हाइपरट्रॉफी मिलेगी, एंड दैट इज व्हाट वी वांट. 30 सेकंड खत्म हो गए. सेट नंबर टू, ग्रैब योर बॉटल्स, टेक पोजिशन, चेस्ट अप, बैक आर्च, हैंड स्ट्रेट, और हाथ एकदम सीधे नहीं रखने, आपको थोड़े एल्बो बेंड रखो. आई डोंट वॉन्ट कि आपके एल्बो जॉइंट को आप ज्यादा प्रेशर दो. ओके, ब्रीथ इन, हैवी ब्रीथ इन, एक्सपैंड योर लंग्स, एक्सपैंड योर ब्रिज रिब केज, स्ट्रेच योर लैटिसिमस डॉर्सी, ब्रीथ आउट, कॉन्ट्रैक्ट योर बैक, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, कॉन्ट्रैक्ट योर बैक, स्ट्रेच, सेवन, एट, नाइन, वन मोर रैप, लास्ट, गिव योर बेस्ट, स्ट्रेच, ब्रीद आउट, कॉन्ट्रैक्ट योर बैक, 10. Relax. We move on to our next exercise. और next exercise है mid rows, और उसके लिए आपको resistance band की जरूरत पड़ेगी. So of course ये हमारा break time है 30-40 seconds का, पर इस बीच में हम setup कर लेंगे जो next exercise है उसके लिए, which is a mid row, and उसके लिए वी डोंट नीड बॉटल्स, वी विल नीड अ रेजिस्टेंट बैंड. ओके, आई जस्ट शो यू हम कैसे करेंगे इसको. लेग्स ऑलमोस्ट स्ट्रेट, ओके, आपको स्ट्रेट बैठना है, स्कैपुला रिट्रैक्टेड, चेस्ट अप, और यहां से स्क्वीज इन. आपको ऊपर नहीं, आपके शोल्डर नीचे रख के आपको स्ट्रेट पुल करना है, एंड स्ट्रेच,
स्क्वीज एंड स्ट्रेच, बट मेक श्योर कि रेजिस्टेंस बैंड आप अच्छी तरह रखो, नहीं तो आपको पता है क्या होने वाला है. ओके, सो वी स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट सेट. आई एम सॉरी, मेक श्योर कि आप रेजिस्टेंस बैंड अच्छे से आगे से होल्ड करो. आप पीछे से होल्ड करोगे तो रेजिस्टेंस आएगा ही नहीं. ओके, तो यू विल हैव टू ग्रैब इट फ्रॉम हियर, ब्रीद आउट when you pull with effort, exhale. Okay, breathe in, breathe out. Okay, so we start with our first repetition, chest up and start. Breathe out, squeeze your back, stretch. Stretch, breathe in. Three, four, five, six, breathe out, seven, eight, squeeze your back, nine, squeeze your back, 10, keep going, 11, 4 to go, 4, 3, 2, 15. Set number 1 is done. डू थ्री सेट्स, हम दो और सेट लगाएंगे. सो ये एक्सरसाइज में आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि आपकी एल्बो पोजिशन, आप कुछ भी हो जाए एल्बो को फ्लेयर आउट नहीं करेंगे, आपको एल्बो आपके बॉडी से जितना हो सके उतना क्लोज ही पीछे लेके जाएंगे, ऑफकोर्स आपकी बैक को टाइट रख के. ये एंगल से देखिए, बैक स्ट्रेट, कुछ भी हो जाए आपके शोल्डर्स को डिप्रेस ही रखो, आप ये नहीं करोगे. ओके, शोल्डर्स डिप्रेस, चेस्ट अप, और ये करना है आपको, एल्बो क्लोज आपके बॉडी से और बैक को स्क्वीज करनी है. स्क्वीज, स्ट्रेच, स्क्वीज, स्ट्रेच. ओके, वी आर अप विद अ 30 सेकेंड्स, सेट नंबर 2. रेजिस्टेंस बैंड अच्छी तरह प्लेस करो, पोजिशन, चेस्ट अप, शोल्डर्स डिप्रेस्ड एंड स्टार्ट. स्क्वीज, 1, 2, 3, 4, स्क्वीज योर बैक, 5, आपके बैक मसल से इनिशिएट कीजिए, हाथ से नहीं. 6, 7, 8, 9, स्क्वीज, 10, 11, 12, squeeze, 13, 2 more, squeeze, 1 to go, squeeze, slow release. Hydrating time, have water. एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ऑलवेज कोई भी एक्सरसाइज हो जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है, मसल माइंड कनेक्शन जो पहले भी मैंने बोला था वो, इसलिए अगर आपको ध्यान नहीं है,
अगर आपका मसल माइंड कनेक्शन नहीं है, मतलब कि आप और कुछ सोच रहे हो और एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे कि बाइसेप लगा रहे हो, आप ये कर रहे हो पर कुछ और देख रहे हो, या आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, हो सकता है, तो आपके मसल कनेक्शन में कनेक्शन कभी नहीं आएगा, आपके मसल कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। सो आप जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जब आप लिफ्ट कर रहे हो या मूवमेंट कर रहे हो, आपको ये ही दिमाग में रखना है और कुछ नहीं। अगर आप बैक स्क्वीज कर रहे हो तो आपके दिमाग में सिर्फ बैक होनी चाहिए और कुछ नहीं। फिर आप देखिए कि वो मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है और रिजल्ट कैसे आता है। सेट नंबर 3, पोजिशंस, मेक श्योर आपके रेजिस्टेंस बैंड का प्लेसमेंट अच्छा हो, सिट अपराइट, चेस्ट अप, स्ट्रेट, ब्रीद आउट, स्क्वीज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, contract, 9, और ये स्ट्रेच भी अच्छी तरह करो, 10, 11, 12, 13, 14, one more, squeeze and release. So again, 30-40 second break. हमने 3 सेट इसके कंप्लीट कर लिए। Now we move on to our last exercise, जो lower back के लिए बहुत ही important है। बहुत सारों को लोअर बैक पेन्स होते हैं क्योंकि वो लोअर बैक उनकी स्ट्रांग नहीं है, वीक है, और स्पेशली पोस्चरल प्रॉब्लम्स की वजह से, ऑफिस में गलत पोस्चर में बैठते हैं या रास्ते पे गलत पोस्चर में चलते हैं एक्सेट्रा, या फिर उनकी स्लीपिंग हैबिट्स भी रॉन्ग है, इसकी वजह से भी लोअर बैक में पेन आ सकता है। सो ऑल सेड एंड डन, हम लोअर बैक को ही स्ट्रांग करना शुरू कर देंगे तो ये पेन प्रॉब्लम आपका कम हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है। Lie down on your stomach. Okay. For beginners, मैं एडवाइस करूंगा कि आप हाथ का सपोर्ट ले सकते हो फ्लोर पे, आपके पैर बिल्कुल नीचे फ्लोर पे प्लेस्ड, आप ऐसे पैर रख सकते हो टो पे, या फिर आप आपके इंस्टेप को नीचे जमीन पे लगा सकते हो, वो आपकी इच्छा, आपके कंफर्ट के हिसाब से, नो प्रॉब्लम। ओके, सो फ्रॉम हियर आपको हाथ के सपोर्ट, सिर्फ सपोर्ट है, हाथ का जोर नहीं लगाना है। ओके, यू डोंट हैव टू डू दिस, सिर्फ आप हाथ का सपोर्ट है। ओके, आपको अपर बॉडी लिफ्ट करना है एंड हम ये करेंगे। बिगिनर स्टेज पे हम हाथ का सपोर्ट लेंगे। सो स्टार्ट विथ मी, हाइपर एक्सटेंशन, और ऊपर जाके आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है लोअर बैक को, मेक श्योर दैट, एंड गो, 1, स्लो करना है, 2, 3, 4, धीरे धीरे आगे लेके जा सकते हैं रेजिस्टेंस कम करने के लिए, 5, 6, 7, 8,
9, one more, 10. So please do not avoid this exercise. जो जिम में भी जाते हैं उनको भी मैं यही एडवाइस करता हूं, ये एक्सरसाइज का अवॉइड मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट है. और नॉर्मली मैं एडवाइस करता हूं डेडलिफ्ट करना. होम वर्कआउट्स में भी हम डेडलिफ्ट कर सकते हैं, बट यस, जैसे मैंने पहले बताया था, ये बिगिनर्स के लिए है, ये ऐसे लोगों के लिए है जो एक्सरसाइज कभी की ही नहीं है या उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है. मैं उनके लिए ये सीरीज बना रहा हूं, तो उसमें मैं डेडलिफ्ट इन्वॉल्व नहीं करूंगा. नेक्स्ट सीरीज जब इंटरमीडिएट लेवल की करूंगा आप लोगों के लिए, तब 100% उसमें डेडलिफ्ट मेरी होगी ही होगी. एंड प्लीज लुक आउट फॉर डेडलिफ्ट वीडियोस, आप सीखते रहो, ये सब आपको सीखना बहुत जरूरी है. बहुत सारे अच्छे रेफरेंस वीडियोस हैं, सो सर्च आउट फॉर गुड रेफरेंस वीडियोस, ना के ऐसे वीडियोस, ना के ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस जिनको खुद कुछ पता नहीं हो और आपको इन्फ्लुएंस करने चले आते हैं. तो और हमको पता होता है कि कौन अच्छे हैं और कौन आपको मिसगाइड कर रहे हैं. सो प्लीज मेक श्योर कि आप अच्छे एक्सपर्ट एडवाइस को ही फॉलो करें. सेट नंबर 2, पोजिशंस एंड स्टार्ट. 1, कम डाउन स्लो. 2, सेवन. मेक श्योर कि आपका कनेक्शन हो अच्छी तरह लोअर बैक पे. 8, नाइन एंड वन मोर, 10. स्लोली गो डाउन. करो. सो हियर वी फिनिश डे 1 ऑफ आर 7 days होम वर्कआउट सीरीज. एक्सरसाइजेस सब खत्म हो चुकी है. आई होप कि आप इसको अच्छी तरह फॉलो करो, अच्छा वर्कआउट करो, इसके साथ अच्छा हाइड्रेशन रखो, अच्छा न्यूट्रिशन रखो. एंड आई होप टू सी गुड रिजल्ट्स इन यू ऑल. आप अच्छे स्ट्रांग बनो, बट अभी भी पिक्चर बाकी है, विच इज कूल डाउन्स. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू स्ट्रेच योर सेल्स. आप कूल डाउन किए बिना कभी भी एक्सरसाइज बंद मत करना. सो बैक की एक्सरसाइज है तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आप कैट कैमल स्ट्रेच करो अच्छी तरह. वी विल डू दैट फर्स्ट. ओके, ये पोजीशन पे आ जाइए. फ्रॉम हियर वी विल फर्स्ट डू कैट स्टांस. ओके, सो फ्रॉम हियर लोअर बैक नीचे जाएगी. ट्राई एंड लुक अप. Hold for 3 seconds and from here camel position. One, two, three. From here go back slowly, stretch. Come up one more time. Repeat 3 seconds. Go back.
सो बिगिनर्स के लिए आई वुड से 2 times इज इनफ, बट ऑफकोर्स जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओ, आप कंफर्टेबल होते जाओ, प्लीज डू इट एटलीस्ट 5 times, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड यस, आप इसके होल्ड सेकेंड्स भी आप बढ़ा सकते हो. 3 seconds बिगिनर्स के लिए है, बट धीरे 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 जैसे आपको कंफर्ट आते जाए, प्लीज इंक्रीज दोज रेजिस्टेंसेस. नाउ स्ट्रेचेस विच आई वॉन्ट यू टू डू इज आपके शोल्डर्स के लिए, शोल्डर्स आपके टाइट हो जाएंगे इसमें, तो स्ट्रेच विथ मी, कम बैक, हैंड चेंज, स्ट्रेच. One more time, stretch. Stretch. Hand up. अच्छी तरह. ओके, और आपके फोरआर्म्स भी इसमें थोड़े वर्क होंगे, मेक श्योर आप फोरआर्म स्ट्रेच करो बोथ वेज. स्ट्रेच, स्ट्रेच. And relax. So here we have completed day 1 of 7 days home workout series. Yes, बहुत important है इसमें कि आप इसमें resistance को आपके हिसाब से increase करते जाए. मैं ये 7 days की series आपके लिए present कर रहा हूँ. अब ये Monday आपने back workout किया, शायद next Monday आपको आप सेम वर्कआउट फॉलो कर सकते हो, उसके अगले मंडे आपको लगे कि आप रेजिस्टेंस आपका अच्छा हो रहा है, आप स्ट्रांग हो रहे हो, तो यू कैन इंक्रीज द रिपीटेशंस, यू कैन इंक्रीज द सेट्स, नो प्रॉब्लम. दिस इज एब्सोल्युटली अप टू यू. ओके, बट मेक श्योर कि आप मसल माइंड कनेक्शन अच्छी तरह रखें, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. बट उसके पहले मेक श्योर मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करो, और उससे भी इंपॉर्टेंट जो मेरे लिए है, which is write down your comments. अगर आपको कुछ questions हो, कुछ queries हो, please do write down. I will make sure कि आपको मैं उसमें जवाब दूं. हो सके आपको जवाब देते देते आपके सवाल, आपको तो आंसर मिल जाएगा, किसी और को भी इसमें help मिल सकती है. So that is what I want. See you all soon with day 2 chest workout.